गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्या हाल चाल आपके? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। सो आज दिन की शुरुआत करते हैं, और दिन की शुरुआत में भाई आज कांड हो गया होता मेरे साथ, जस्ट बिकॉज कि मैं ना कल काम कर रहा था अपने सिस्टम पर बैठ के, और वहां पे मैंने पर्स रखा छोड़ दिया। उसके बाद मैं कहीं निकला नहीं, और वो पर्स वहां रखा हुआ था। एंड मैं अपने पूरे घर में मैंने छान मारा, मैंने कहा यार पर्स कहाँ है, आज तो गया। मतलब सब कार्ड वार्ड सब उसी में ही है, पता नहीं कहाँ गया आज तो भाई। पर्स ढूंढना पड़ेगा भाई, पूरे घर में ढूंढ लिया, पूरे घर में पर्स नहीं मिला। एंड फाइनली मेरे को याद आया, मैंने कहा यार मैं वहां बैठा था, और मैंने उसको पेमेंट करी थी जब मैं पासपोर्ट का कर रहा था, तो वहां पे होना चाहिए। तो वहां देखा तो थैंकफुल मिल गया मेरा पर्स। सो फिलहाल निकलते हैं और करते हैं दिन की शुरुआत, लेट्स गो। सो फाइनली भाई मैं निकल गया अपने घर से, और मैं उसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे वो मुझे मिलती हैं। अगर नहीं पहचानते उन्हें तो कल का व्लॉग देख लेना, कल के व्लॉग में दिख जाएंगी, पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे बराबर में ही आ गई, दिख गई हूँ मुझे। सो होली का उन्हें देना है। कैसे हो? तैयारी हो गई जाने की? होली बाद ले ली, चल होली बाद ले ली। नहीं नहीं, होली से पहले ही ले लो, क्या चाहिए बताओ। जो तुम्हारा मन चाहे, जो तुम्हारा मन चाहे सो दे दो, हमें दोनों भगवान तुम्हें अच्छा रखे, हम तो मन की बात है तुम्हारा। मेरे जजमान खुश तो मैं सबसे पहले खुश हूँ। चलो उसे ही बुला लो, मुझे नहीं देते होली। मुझे भी दिलवा दो होली इनसे। ले ले चले ले मालिक, मेरे भैया को, मेरी दीदी को, खूब फले फूले मेरे, मैं मर जाऊंगा मेरे खूब फले फूले। भैया ये क्या बात हुई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बहुत अच्छा परस ला फरस धन्यवाद। सो भाई मैं इनसे होली का बोल के गया था कि मैं होली का आपको देके जाऊंगा, तो आज ये शायद गांव निकल जाएंगे अपने, तो इसलिए मैंने इन्हें होली का इनका दे दिया आज। सो एक जगह तो खुशियां बांट दी, आगे आगे देखते हैं माता रानी कहाँ कहाँ खुशियाँ देती है। आज स्ट्रॉबेरी भी दे दो भाई, कितने रुपए की है बताओ? 100 के 3 दे दो, माना करो। ये गल रही है थोड़ी सी। भाई स्ट्रॉबेरी भी ले लिया आज। ये भैया बहुत बार बोलते रहते हैं कि भाई हमारे से स्ट्रॉबेरी नहीं लेते, मैंने कहा ठीक है आज स्ट्रॉबेरी ले लेते हैं। पूरा डब्बा नहीं लिया। नहीं डब्बा लेने वाली डब्बा डब्बा लेके फायदा नहीं है ना बुडू। तो पहले आप शिप्रा को वही डेली रूटीन का काम, मेरे ना गूज बम्स आ रहे हैं अभी पता नहीं क्यों। सो पहले शिप्रा को छोड़ता हूँ हॉस्पिटल, और फिर अपने काम से देखते हैं क्या करते हैं आज। अभी तो नन्नू घर पे है, पहले मेरे को घर आना पड़ेगा, उसके बाद देखता हूँ। सरकारें बदलने वाली हैं तो भाई रोड का भी थोड़ा बहुत उद्धार होने वाला है, रोड बनने वाली है। देखो कुरज के स्टार्टिंग हो गई है रोड बनने की, ये देखो कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर चलनी शुरू होने वाली है, मतलब होनी शुरू हो गई फिलहाल, इस पर भी काम चलना शुरू हो गया। तो उसकी वजह से जैम भी है, और जैम के साथ साथ बहुत सारे लोगों के अरमान भी है कि भाई ठीक ठाक हो जाए रोड। और हमारे बराबर में जो बैठी है इसका भी एक अरमान जाग गया, आज स्ट्रॉबेरी ले ली हमने, तो कहती स्ट्रॉबेरी शेक बनाएंगे आज हम लंच में। मैंने ठीक है, स्ट्रॉबेरी स्मूदी। स्मूदी तो मेरे को कह रही है तू के सीख ले बनानी, अब वो आती नहीं। तुम थोड़ा सा इसके काम करना। अच्छा हम स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनानी सीखे, मतलब खुद कुछ नहीं ये मैं कुछ बोल दूंगा। नहीं देख वो अलग बात है, तेरे को वो चीज नहीं आती, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं चाहती ना, ये गलत नहीं, ये गलत है ना कि मैं सीखना नहीं चाहती। भाई गर्मी इतनी बढ़ गई है यार, जरा सी उसमें ही इतनी गर्मी, अगर गाड़ियां बैठे और तो गाड़ी स्लो हो गई, मतलब विंडो डाउन करने के बाद तो बिना कपड़ों के नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, इतना भी वो नहीं है अपना, थोड़ी सी विंडो डाउन करो, और विंडो डाउन करने के बाद अगर गाड़ी रुक गई तो भाई ऐसी सूर्य देवता बिल्कुल सामने से पड़ते हैं आके, ओए होए मजा ही आ गया। स्ट्रॉबेरी देख के इसके मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया। भाई रोड की हालत तो गुड्डू, गाड़ी भी खड़खड़ 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 कर रही है, क्योंकि अभी ये इन्होंने ना आजकल
हाँ आजकल पता है क्या, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले तो रोड को खोदते थे, अब ऐसा कुछ नहीं, अब एक मशीन चलाते हैं, वो नीचे से ना ग्राइंड सा करती हुई चलती है, नीचे से खुरसती हुई चलती है और आगे उसके ट्रक लगा होता है उसमें वो भरता हुआ चली जाती है। मशीन जो है वो सारा का सारा जो एक लेयर है वो उसमें सेट कर लेते हैं कि एक इंच उखाड़ना है या दो इंच उखाड़ना है, डिपेंड करता है कि कितनी उन्हें ठीक करनी है, तो अकॉर्डिंगली वो उसके लिए कर लेते हैं। तो आप भी इन्होंने वही मशीन लगाई होगी यहाँ पे रात को या कल से लगा रखी होगी। खैर एक दो दिन का, एक दिन का काम नहीं है, दो तीन दिन पहले से काम चल रहा होगा क्योंकि रात को हम लोग घूमते नहीं है। अब हम आलसी हो गए इस पे भी मैं ही सुनूंगा, मुझे पता, इसलिए मैंने खुद ही बोल दिया कि हम रात को घूमते नहीं है, हम आलसी हो गए। तो अब वो रोड ठीक करने के लिए आ रहे हैं, सो फाइनली ये रोड भी ठीक हो जाएगी। चलो किसी के भाग से किसी का तो भला हो रहा है, मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसे छोड़ दूं पहले इस हॉस्पिटल, फिर देखते हैं हम क्या करते हैं आज। लेट्स गो, स्मूदी की रेसिपी जरूर देखते हैं। अब एक और, मैं आज के बाद स्ट्रॉबेरी नहीं खरीदने का, कुछ भी ब्लूबेरी स्मूदी बनाऊंगी। समझ रहे, आदमी अपने पैर पे अपने आप कुल्हाड़ी मारता अपने आप, और काट के भी फिर दोबारा कहता काट दू और थोड़ा सा और ऊपर से। तो वो काम मेरे साथ है, मुझे ऐसा लगता है। सामने धूल का बवाल देख रहे हो भाई, ये फॉग वॉग नहीं है, धूल है। और देखो हर जगह दिखा दूंगा, मैं वही बता रहा हूँ कि अब तो मौसम भी नहीं फॉग का, देख धूल कितनी, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी। और ये किस वजह से, ये साइड में ना देखो पूरे नाले के बराबर बराबर इन्होंने क्या किया हुआ है, पूरे नाले के साइड साइड में ना वो डाला हुआ है, जो मलबा जिसे बोलते हैं, जो रूट घर का कंस्ट्रक्शन होती है या पुराने घर टूट के नए बनते हैं, सो उनका जो वेस्ट मटेरियल जो निकलता है उसे मलबा बोलते हैं। तो वो मलबा इधर इधर सारी रोड पे डाला हुआ है, उसकी वजह से रोड भी नैरो हो गई और ये धूल मिट्टी, क्योंकि गाड़ी उधर से जाएगी तो ऑब्वियस है धूल मिट्टी उधर से उठेगी, तो इतना बुरा हाल किया हुआ है। अब इन्हें परमिट कौन करता है, तो वो तो भाई देख मेरी गवर्नमेंट से हमेशा शिकायत रहेगी, जब तक ठीक नहीं करोगे जब तक मैं बोलता रहूंगा, हर व्लॉग में बोलूंगा। नहीं पीछे पहने वाली बात नहीं यार, जो गलत है मैं, अगर मैं कोई गलत चीज बोल रहा हूँ तो मुझे टोकना चाहिए। कौन टोकेगा? नहीं मैं टोक पाई आज तक? नहीं तुम नहीं टोक पाई मेरे ऑडियंस मेरे को टोक देगी अगर उन्हें। भैया सुन लो प्लीज, टोको इनको देख ये अलग ही उस पे चल रही है लाइन पे। कहाँ जा रहे हो? इस सीजन का पहला मैंगो बाइट आप लोगे? छोटे आए हैं, साउथ साइड के बहुत बड़े मैंगो होते हैं, बट ये पता नहीं कहाँ से छोटे मिल गए आज हमें। हमने ले लिया फिर भी क्योंकि मन कर रहा था मैंगो खाने का, बहुत टेस्टी होता है, मीठा होता है। अब इसका टेस्ट पता नहीं कि कैसा होगा। कहाँ जा रहे हो खेलने, किसके साथ जाओगे? सुनो यहाँ आओ पहले, अरे रुक जाओ ना यहाँ पे आओ। अब देखो मैं कहूँगा कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कहते ही एकदम वापस भाग के आएगा, कोई मुझे प्यार नहीं करता। आप ऐसे क्यों करते हो? अगर इस ये चीज मेरे को शिप्रा ने बताई, अगर इसको ऐसे बोलो ना तो ये भाग के आ जाता दूर से। सो इसको आज मैंगो शेक बना के पिलाएंगे और हम भी पियेंगे, मतलब ऑब्वियस है घर पे है तो। घर पे आके मैं तो भाई चेंज करके लेट गया था भाई, अपना काम जल्दी ही फिनिश हो जाता। और वो जो इससे स्ट्रॉबेरी ली थी आज वो ये रही, खट्टी है पता नहीं क्यों, इंडियन स्ट्रॉबेरी है ना ये खट्टी ज्यादा होती है। तो फिलहाल अभी जस्ट हमारे घर से गेस्ट गए हैं, आज गेस्ट आ गए थे और उनसे बात करते करते भाई बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि मेरे को टाइम का पता ही नहीं चला, जस्ट बैठे बैठे बात कर रहे थे और शाम हो गई, अंधेरा हो गया। फिलहाल 8:30 बज रहे हैं, वो 8:15 के करीब अभी भी निकले हैं, तो बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। मौसम देखो बिल्कुल अंधेरा, 8:30 बज रहे हैं एंड भाई अब ना मौसम भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है,
जैसे सर्दियों का ही मौसम चल रहा हो, दिन छोटे ही हों अभी, गर्मियों में यूजुअल वैसे दिन बड़े हो जाते हैं, अभी ऐसा सिस्टम नहीं हुआ। तो अब की बार होली भी देखनी पड़ेगी भाई, कैसे खेलेंगे क्या करेंगे, क्योंकि ठंड अभी बाकी है। सो फिलहाल अभी थोड़ी देर में डिनर करूँगा, डिनर कर कुरा के, वैसे कुछ ज़्यादा इच्छा तो है नहीं, उनके साथ स्नैक्स बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरे, तो डिनर की ऐसी कोई खास इच्छा है नहीं। थोड़ा सा काम निपटाऊँगा, सिस्टम पर बैठूँगा और फिर व्लॉग एडिट करके इसे अपलोड करूँगा। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।